मैं खेलूंगी तरपुर की ओर से। कठे चली जा रही हो मैडम, मजाक चल रहे हो के? पतलून ना खेल में, सलवार कमीज रुके काम। वहाँ बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या लिखा है वहाँ पर? ये लिखा है इत्तरपुर वर्सेस माधवापुरा एनुअल क्रिकेट मैच। हाँ तो मैं इत्तरपुर से हूँ, मतलब मैं ये मैच खेल सकती हूँ। और हमारे पास ना एक प्लेयर भी कम है, वो देखिए हमारा साथी प्लेयर कैसा बीमार पड़ा हुआ है। पर है तो तू छोरी ही। कहाँ लिखा है कि छोरियाँ नहीं खेल सकती? ए छोरी, ये छोरों का खेल है, तेरे साथ खेल के नाक नहीं कटवानी हमें। क्या हुआ माधवापुर के कप्तान जी, कोई टेंशन हो गई क्या? छोरी ने बल्ला थामा नहीं कि निकल गई थारी सारी मर्दानगी। ए छोरी, जुबान ज्यादा चल रही है क्या? कहे तो काट दूं। चलता तो बल्ला भी है कप्तान जी, पर लगता है छोरी से हारने में ना डर रहे हो, घनी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं ए छोरी, छोरियों की तरह ही रहे, ज्यादा उछल मत, आगे आसू। नहीं चाचा जी, बहुत शौक है ना इसे क्रिकेट खेलने का, इस लड़की को अब कोई नहीं रोकेगा। आज इस लड़की को ऐसा सबक सिखाएंगे कि गांव की कोई भी लड़की बल्ला उठाना तो दूर, मैदान के पास आने से भी 10 बार सोचेगी। आजा छोरी। प्रताप भैया बैठ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे। बेटियां बाप के लिए बोझ होती है, बोझ बोझ उतारने वाला होता है बेटा, तो घर में कमाई लाता है। घर जाके झाड़ू कर, ए फालतू चल घर जा। फालतू ऐसे ऐसे मगर सीधा। इसलिए औरतों को घर के चूल्हे चौके में रहना चाहिए। टोकरी उठा के कपड़े धोने वाले हाथ बल्ला नहीं उठा सकते। बड़ी आई थी चैलेंज करने वाली। मेरे बेटे को खाने वाली है आपकी ये फालतू बेटी। ए फालतू, ए फालतू, आई बला को टाल तू। लड़की क्या कर पा।
आज रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।